जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉय पोर्टल पे लीव इनकैशमेंट एप्लीकेशन कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है। पेमेंट लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लीव इनकैशमेंट एप्लीकेशन का लिंक होगा जिस पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होके आएगी जिसमें आपका लीव इनकैशमेंट ओवरव्यू रहेगा और इसमें आपकी कितनी पीएल रिमेनिंग है वो आपको पता चलेगा। अब आपको न्यू एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करनी है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपके पास एक फाइल एक पेज ओपन होके आएगी जिसमें आपको ये सारे फील्ड को भरनी है। लीव इनकैशमेंट मेथड में लीव इनकैशमेंट या लीव इनकैशमेंट फॉर रिटायरमेंट, अगर लीव इनकैशमेंट फॉर रिटायरमेंट नहीं है तो आपको लीव इनकैशमेंट सेलेक्ट करनी है। डेज टू बी इनकैश्ड में नंबर ऑफ डेज, जो भी जितना डेज आप इनकैश करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 15 ले रहा हूँ। नोट फॉर अप्रूवर में आप लिख सकते हैं लीव इनकैशमेंट अप्रूवर में, यहाँ पे 4 अप्रूवर है, आप अपने नॉर्म्स के अनुसार से देख लें आपको कितने अप्रूवर चाहिए होंगे। अगर आपके एक ही अप्रूवर सेलेक्ट होते हैं तो जो स्टार मार्क्स है उसमें आप दोनों में एक ही नाम भर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पर्सनल नंबर आप टाइप करेंगे। पर्सनल नंबर टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपको उस पर यह आपकी अप्रूवल 1 हो गई और उसी तरह से अप्रूवल 2 भी मैंने वही लिया है। अगर आपकी डिफरेंट अप्रूवल है तो आप डिफरेंट अप्रूवल ले सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप ये फॉर्म का रिव्यू देख सकते हैं। इसमें अगर आपकी कोई मतलब कि कुछ गलती हो गई है तो आप प्रीवियस जा सकते हैं और एज अ सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट स्टेप आपकी है सबमिट करना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है प्रोसेस फॉर लीव इनकैशमेंट एप्लीकेशन अप्रूवल। इसमें जो भी प्रोसेसर जिसका भी आपने डाला है वो अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे लॉगिन जब करेगा और जब वो गो टू टास्क मैनेजर मतलब टास्क एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो शो होगी। जब वो उस आपके एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा, उस रो को सिलेक्ट करके उसको क्लिक करेगा तो आपकी लीव इनकैशमेंट अप्रूवल एप्लीकेशन शो होगी। इसमें वो व्यू भी कर सकते हैं और इसको अप्रूवर एक्शन करना होता है। अप्रूवर एक्शन के लिए आपको अप्रूवर एक्शन ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है जिसमें अप्रूव और रिजेक्ट सेलेक्ट करनी होती है। जब आप अप्रूव सेलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी जिस पे आपको ओके करनी है। ओके करने के बाद आपकी जो लीव इनकैशमेंट अप्रूवल है वो अप्रूव हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्शन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रोसेस फॉर लीव इनकैशमेंट ऑर्डर जनरेशन, मतलब ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए आपको सैप में टिकट का टाइप करनी है ZHR_LeaveOrders। ये टिकट टाइप करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन खुल के आएगी लीव इन ऑर्डर सेलेक्शन का, जिसमें आपको लीव इनकैशमेंट सेलेक्ट करनी है और एग्जीक्यूट करनी है। ये एग्जीक्यूट पे आप लीव इनकैशमेंट सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते ही लीव रिपोर्ट की एक फॉर्म खुल के आएगी आपके पास, जिसमें डेट, एम्प्लॉय नंबर और पेरोल एरिया भरनी है। पेरोल एरिया मैंडेटरी नहीं है।
ये सारे फील्ड को भरने के बाद आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करनी है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक नई विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें आपको एम्प्लॉई कोड पे क्लिक करनी है। एम्प्लॉई कोड पे क्लिक करते ही लीव रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऑफिस ऑफ ऑर्डर नंबर डेट और जो भी प्रोसेसर है उनका नाम डेजिग्नेशन और जिनको आप कॉपी देना चाहते हैं वो उनका नाम और लास्ट में सिग्नेचर जो इस तरह से भरी जाएगी। यहाँ ऑफिस फिल कर दिया, ऑर्डर नंबर फिल कर दिया, डेट डाल दिया और सिग्नेचर जो करने वाले उनका नाम पोस्ट और जिनको कॉपी देना इस तरह से। फिर आप जब एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करते इस तरह से आपके पास एक पीडीएफ ओपन होके आएगी। यहाँ देख सकते हैं आप जो ऑर्डर नंबर यहाँ डाला, यहाँ इसके आगे आप डिस्पैच नंबर डाल सकते हैं या फिर हाथ से लिख दें और इस तरह से आपकी लीव इनकैशमेंट ऑर्डर जनरेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो